हेलो दोस्तों, ये मेरे साथ में रॉयल इनफील्ड गुरिल्ला 450 हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च हुई है और इस वीडियो में करने वाले हैं इसका स्पीड टेस्ट। देखते हैं 0 to 60 और 0 to 100 ये मोटरसाइकिल कितने टाइम में कर पाती है, कितनी फास्ट है और क्या आपको पावर परफॉर्मेंस इस बाइक से मिलती है। कुछ चीज़ें बता देता हूँ। रॉयल इनफील्ड गुरिल्ला 450 हिमालयन 450 के इंजन और प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके ही बनाई गई है। रॉयल इनफील्ड का ये शेरपा इंजन जो है वो आपको देखने को मिलता है, जो कि 452 cc का इंजन है, यानी कि 452 cc का लिक्विड कूल्ड यूनिट है, जो कि 40 PS की पावर जनरेट करता है, 40 Nm का टॉर्क देता है, 6 speed का गेयर बॉक्स है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आपको यहाँ पर मिलता है और हिमालयन से लिया गया है। लेकिन हिमालयन के कंपैरिजन में ये साइकिल थोड़ा सा आपको डिफरेंट फील देती है। वजह एक तो इसका वजन कम है हिमालयन से, ये 185 kg कर्व वेट के साथ में आती है, और दूसरा इसकी इंजन की मैपिंग जो है उसको चेंज किया है। ये एक रोडस्टर मोटरसाइकिल है जो कि सिटी परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड है और उसी के चलते यहाँ पर आपको एक अलग परफॉर्मेंस एंड फील देखने को मिलेगा हिमालयन 450 के कंपैरिजन में। तो चलो बिना किसी देरी के इस परफॉर्मेंस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और इस बाइक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो कॉमेंट में जान सकते हो, पूछ सकते हो। अब चलते हैं सीधा GoPro पर। तो चलो शुरू करते हैं, बाइक को करते हैं स्टार्ट और आपको दिखाते हैं इसका परफॉर्मेंस टेस्ट कैसा है। बाकी यहाँ अगर मीटर कंसोल देखोगे तो ये आपको फुल डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है, कलर TFT डिस्प्ले है जैसे हिमालयन में हमने देखा है, और अडाप्टिव है तो डे और नाइट में ये स्विच कर जाता है। बाकी यहाँ थोड़ा सा आपको फ्लिकर नज़र आ रहा होगा तो वो एक चीज़ इस डिस्प्ले के साथ में है ही। अब परफॉर्मेंस टेस्ट की शुरुआत करते हैं तो 0 to 60 और 0 to 100 हम चेक करेंगे और ट्राई करेंगे कि 0 to 120 तो पूरा एक ही बार में, पहले 0 to 60 उसी से आगे बढ़ जाएंगे 100 और उसी से आगे बढ़ जाएंगे 120 तो कितनी फास्ट है वो आपको दिखाते हैं और आप हमें बताना फिर कि आपको ये परफॉर्मेंस टेस्ट कैसा लगा। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाइक को करते हैं स्टार्ट, साउंड सुनो आप। तो साउंड वगैरह बहुत बढ़िया आ जाता है इस बाइक के साथ में। अब फर्स्ट गियर हमने डाला, तो भाई आप देख सकते हो कितनी फास्ट है ये मोटरसाइकिल, 0 to 100 या 0 to 120 बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। हालांकि वाइब्रेशंस हैं और वाइब्रेशंस की वजह से ना मिरर की पोजीशन चेंज हो जाती है, ये वाली मतलब इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, पर बाइक बहुत ज़्यादा फास्ट है। फर्स्ट गियर में ही ऑलमोस्ट 50-56 के आसपास गई है, बस सेकंड लगाते ही 60 और थर्ड में ऑलमोस्ट 100 और 120। बहुत ज़्यादा फास्ट मोटरसाइकिल है। अगर आप एक ऐसी फ़न टू राइड मोटरसाइकिल चाह रहे हो ना कि जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे, तो यार एक कमाल की मोटरसाइकिल होने वाली है। लेकिन हाँ देखो, बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हैं इस बाइक के साथ में जिन पर रॉयल इनफील्ड को काम करना चाहिए था। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो कोई मुकाबला नहीं है रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 का, मतलब इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको दे रही है। आपको ये स्पीड टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना, और ऐसे ही वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो, और कुछ भी इस बाइक के बारे में जानना है तो कमेंट करो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।